नमस्कार, रसराज स्टूडियो के वैलेंटाइन डे स्पेशल इस एपिसोड में हमारे बीच में अब जो कवित्री शायरा आ रही हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उन सभी जगहों पर जहां पर मुशायरे कवि सम्मेलनों का आयोजन होता है, मुमताज नसीम साहिबा हर जगह पहुंच चुकी है। उनकी आवाज़ का जादू लोगों के दिलों पर ऐसा असर करता है कि घंटों वो उनकी आवाज़ के जादू में खोए रहते हैं। आइए, मुमताज नसीम साहिबा को मैं बुलाना चाहता हूँ और उनके लिए परवीन शाकिर के दो शेर जो मुझे याद आते हैं, धनक धनक मेरे पोरों को खाब कर देगा, वो लम्स मेरे बदन को चिनाव कर देगा, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। आइए, जोरदार तालियों के बीच मुमताज नसीम। बहुत शुक्रिया आप सभी मेरे दोस्तों का कि आपने इस महफिल को इतना खूबसूरत बनाया, इतनी खूबसूरती से अपनी कविताएं, अपने गीत, अपने मुख तक, अपने छंद पहुंचाए। और मैं बहुत देर से सोच रही थी क्या पढ़ूंगी, तो मैंने अभी ये तय किया है कि क्योंकि वैलेंटाइंस डे है और बहुत ही खुशगवार सा माहौल हो जाता है, बहुत ही रोमांटिक सा हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा रोमांस मैं अपनी गज़ल के ज़रिए तहत में आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। मेरी नई गज़ल है, आप लोगों ने सुनी भी है और मुझे बेहद अजीज़ है, तो मैं वहाँ से ही शुरू करती हूँ और आप लोगों की पूरी तवज्जो मांगती हूँ। ख़ासतौर पर सुनिएगा कि अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ। अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं, वो एक बात जो कहना बहुत ज़रूरी है, वो एक बात जो कहना बहुत ज़रूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ। हाय हाय, क्या बात है। वो एक बात जो कहना बहुत ज़रूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ मैं। मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ, तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ, फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं, ये सोचकर कि तू इस रास्ते से गुजरेगा, ये सोचकर कि तू इस रास्ते से गुजरेगा, न जाने कब से दुपट्टा सुखा रही हूँ, सुखा रही हूँ मैं, उड़ा रही हूँ हवाओं में रेशमी आंचल, उड़ा रही हूँ हवाओं में रेशमी आंचल, ये लग रहा है कि उड़ती ही जा रही हूँ, उड़ती ही जा रही हूँ मैं। और आखिरी शेर लेकिन बहुत खूबसूरत, कि कई दिनों से किताबों में दिल नहीं लगता, कई दिनों से किताबों में दिल नहीं लगता, गिरा रही हूँ किताबें उठा रही हूँ मैं, अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं। क्या बात, शुक्रिया। ये मोहब्बत करने वालों के लिए मेरी मोहब्बत का एक तरीका था, मैंने किस तरीके से इजहार किया है वो आप लोगों को कैसा लगा, ये तालियों से आप लोग मुझे बताएंगे। बहुत शुक्रिया। ये जो नई गज़ल है, मैं रसराज स्टूडियो से इसलिए पढ़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरी गज़ल फलेगी फूलेगी, उसी तरह से हमारा ये रसराज स्टूडियो भी फूले फलेगा। क्या बात है, तो यहाँ से मैं ये अपनी नई गज़ल शुरू करती हूँ और आप लोगों की वही मोहब्बतें मांगती हूँ, वही प्यार मांगती हूँ। मैं शुरू करती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ, बतौर ख़ास आप लोग सुने और मुझे बहुत सारा प्यार दें। इस प्यार के मौसम में तो यही कह सकते हैं। मैं हाज़िर करती हूँ कि मेरे सर की कसम खाओ तुमको, वाह, कोई भी मुझसे प्यारा न होगा, मेरे सर की कसम खाओ तुमको, कोई भी मुझसे प्यारा न होगा, गैर देखें तुम्हें या भर कर, अब ये मुझको गवारा, क्या बात है, तुम्हें आँख भर कर, अब ये मुझको गवारा न होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। अगला शेर हाजिर करती हूँ और जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बेहद अजीज है, मैं पढ़ती हूँ। तुम कई दिन से मिलने ना आए, ये सुना है कि बीमार हो तुम। तुम कई दिन से मिलने ना आए, ये सुना है कि बीमार हो तुम। तुमको मेरी नजर लग गई थी, तुमने सदका उतारा। क्या बात है, तुमको मेरी नजर लग गई थी। वाह 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 वाह, तुमको मेरी नजर लग गई थी, तुमने सदका उतारा न होगा। और ये भी क्या बताऊँ, बहुत प्यारा शेर है। अब सुनो आप, फिर समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसे प्यारा क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये मेरी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, इसलिए अब सुनिए आप। जी। जैसे टूटा है दिल मेरा ऐसे, हाय हाय, दिल किसी का भी टूटा न होगा। जैसे टूटा है दिल मेरा ऐसे, दिल जैसे हारी हूँ मैं दिल की बाजी, ऐसे कोई भी हारा न होगा। क्या कहने, वाह 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 ममता जी। मैं दिल की बाजी, ऐसे कोई भी हारा न होगा। जैसे हारी हूँ मैं दिल की बाजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत है मेरी, मुझे अच्छा लगा। मुझको इसकी खबर कुछ नहीं थी, मेरा दिल मुझको दे देगा धोखा। मुझको इसकी खबर कुछ नहीं थी, मेरा दिल मुझको दे देगा धोखा। एक दिन छीन लोगे से तुम दिल हमारा हमारा ना होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। छीन लोगे से तुम दिल हमारा हमारा ना होगा। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ इस गजल का आप सभी लोगों के लिए। आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी हौसला अफजाई की, हाजिर करती हूँ। मैंने नहीं था ऐसा भी वक्त आएगा एक दिन, तुमको मरना गवारा न होगा, हमको जीना गवारा होगा। गवारा न होगा, हमको जीना मेरे सर की कसम खाओ तुमको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत आप लोगों ने मेरी गज़ल को बहुत खूबसूरती के साथ सुना। फिर मैं चाहती हूँ कि एक नई गज़ल और, जो शायद मैंने कहीं भी नहीं पढ़ी है, तो फिर मैं आज उसको रसराज स्टूडियो से पढ़ना चाहती हूँ। आप लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि कुछ नया नया पढ़ दूँ। कि मैं पहले हारी थी इस बार हारने की नहीं, मैं पहले हारी थी इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा मैं पुकारने की नहीं। मैं पहले हारी थी इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा मैं पुकारने की नहीं। अगला शेर पढ़ती हूँ। कहीं पे जूते तो कपड़े, कहीं किताबें कहीं। कहीं पे जूते तो कपड़े, कहीं किताबें कहीं। मैं रोज रोज ये कमरा सवारने की नहीं, मैं रोज रोज ये कमरा सवारने की नहीं। ये सूट बूट ये कफलिंक और ये खुशबू, ये सूट बूट ये कफलिंक और ये खुशबू, नजर लगी जो तुम्हें मैं उतारने की नहीं। ये
जो शेर है वो बहुत खूबसूरत है कि तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से तो याद रखना मैं खुद को सवारने की नहीं, याद रखना मैं खुद को सवारने की नहीं, मुझे है इल्म कि तुम थक के आए हो लेकिन, मुझे है इल्म कि तुम थक के आए हो लेकिन जो हुक्म दोगे तो जूते उतारने की नहीं, जूते उतारने की नहीं, जो हुक्म दोगे तो जूते उतारने की नहीं, मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं, सर्दी गुजारने की नहीं। और ये आखिरी शेर के, तुम्हारी माँ को मैं अम्मी कहूँ हजार मगर, तुम्हारी माँ को मैं अम्मी कहूँ हजार मगर, तुम्हारी माँ मुझे बेटी पुकारने की नहीं, तुम्हारी माँ मुझे बेटी पुकारने की नहीं, मैं पहले हारी थी इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा मैं पुकारने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी मोहब्बत से तहत की जो मेरी गज़ल थी, नई गज़ल थी, उसको सुना। मैं चाहती हूँ कि एक तरन्नुम से, ये भी नई गज़ल है और कोशिश करती हूँ कि उसी तरह से पढ़ूँ जैसे हमेशा पढ़ती हूँ इसको, तो एक मतला और दो चार शेर इसके आप सभी के लिए ख़ास तौर पर। शंभू जी सुनिएगा। जी स्वागत। पागलपन में वाह क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई पागलपन में, क्या बतलाऊं पागलपन में, क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई तुझसे मिलकर लौट रही थी घर का रास्ता भूल, क्या बात है, तुझसे मिलकर लौट रही थी घर का रास्ता भूल गई पागलपन में, क्या बतलाऊं। और खास तौर पर ये शेर बिल्कुल मेरे रंग का है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ती हूँ। कंगी वंगी चोटी वोटी शीशा वीशा भूल गई, वाह, कंगी वंगी चोटी वोटी शीशा वीशा भूल गई तेरा चेहरा याद रहा बस अपना चेहरा भूल, क्या बात है, तेरा चेहरा याद रहा बस अपना चेहरा भूल गई तेरा चेहरा। और ख़ास तौर पर ये शेर भी बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लगता है, पढ़ती हूँ। खास इसलिए भी है क्योंकि आप पहली लाइन से कहीं और जाएंगे और दूसरी लाइन में इसका पूरा जो मतलब है वो वाज़े होगा। मैं पढ़ती हूँ कि प्यार के इस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे, प्यार के इस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे तेरा मफलर जब से मिला है अपना दुपट्टा, क्या बात है, वाह 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 वाह, जब से मिला है अपना दुपट्टा भूल गई। और एक और खूबसूरत सा शेर, मुझको ही सब देख रहे थे महफिल में जब तू आया तेरा जलवा याद रहा बस अपना जलवा, क्या बात है, वाह 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 वाह, जलवा याद रहा बस। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ लेकिन बहुत खूबसूरत है, हाजिर करती हूँ। तूने जब आ
तूने जब आवाज लगाई दरवाजे पर आ पहुंची, इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई, इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई, पागलपन में क्या बतलाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से आपने सुना, थैंक यू सो मच।